आज हम लोग 8.4 चैप्टर पढ़ाएंगे, 8.3 तक जो 8.3 तक जो है हम लोग क्लियर कर चुके हैं। बात रही 8.4 में, 8.4 को बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हालांकि सब कुछ बता चुके हैं पहले ही, और वो फार्मूला सब जो भी हम लोग यूज करेंगे उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमें जो है तीन सर्वसमिका हमने बताया था, तीन सर्वसमिका, वो सर्वसमिका थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ये सर्वसमिका था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा था कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन। ये तीन सरसमीकरण इस चैप्टर में बराबर यूज होता रहेगा। और इसके अलावा जो है ना, हमने तीन छः एक व्युत्क्रमानुपात, यानी जिसका कि उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती अनुपातीय क्रम हम बताए थे, थोड़ा सा उसको भी रिपीट कर लेते हैं। पहला तो ये, दूसरा में ये हमको याद रखना है, हमेशा हमारे माइंड में हमेशा घूमते रहना चाहिए। इसके बाद होगा क्या कि हम जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ माइंड में ये चीज़ घूमता रहेगा, तो हम जहाँ जाना चाहेंगे आसानी से जा सकते हैं। दूसरी ये है कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, दूसरा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तीसरा tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, इसका एक और होता है sin थीटा बटे cos थीटा, एक और होता है, और चौथा है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, इसका एक और होता है, जैसा हम करवा चुके हैं cos थीटा बटे sin थीटा। और इसके बाद इधर है sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और लास्ट cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये फॉर्मूला इतना सा इस 8.4 चैप्टर के लिए, 8.4 चैप्टर के लिए बराबर यूज होगा। ये सभी फॉर्मूला हमारे माइंड में हमेशा घूमते रहना चाहिए, तत्पश्चात हम लोग आसानी से वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा, तो वहाँ आसानी से हम लोग पहुँच जाएंगे। अब बात रही कि सिद्ध करने वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा। ध्यान ये रखना होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, थोड़ा सा रख लीजिएगा कॉन्सेप्ट टाइप से ही समझिए, कॉन्सेप्ट नहीं मतलब ये समझिए, हाँ कॉन्सेप्ट ही सर। इस बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना माइंड में हमेशा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए देखिएगा जरा सा, कि हम लोग जब इसको साबित करेंगे, इस चैप्टर को अस्थिर से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना इससे पूछा जाता है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में कोई भी मतलब फलन हो, मतलब क्वेश्चन हो, तो उस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखेंगे। किसी भी टर्म में दिया हुआ रहे त्रिकोण मिति की 6 निष्पत्तियों में से किसी भी टर्म में दिया हुआ रहे, साइन कोस टेन सेक कोसेक ये सब में रहे, तो उसे हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे कि पहला साइन थीटा में या तो कोस थीटा में बदलने का प्रयास करेंगे, साइन या कोस थीटा में साइन और कोस के पदों में लाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, पहला ये है, दूसरा ये है कि हम जब इसको करेंगे साइन कोस टेन में यदि आ गया, साइन कोस टेन में आ गया तो ठीक है, यदि नहीं आ पा रहा है तो इसके अलावा भी एक है कि हम त्रिकोणमिति की जो सर्वसमिका हम बताए थे, तीन सर्वसमिका, उसका यूज करेंगे। वो तब यदि नहीं होगा, उसका यूज नहीं होगा, सर्वसमिका का यूज नहीं होगा, तब हम लोग करेंगे इसका यूज करेंगे।
सरसिमिका का यूज नहीं होने के बाद तब इसको इस रूप में हम बदलने का प्रयास करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। इतना ये हम लोग कॉन्सेप्ट में ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या करना होगा कि सरसिमिका का यूज करेंगे तब जब सरसिमिका का पहले यूज करेंगे, जब नहीं हो पाएगा तो इस रूप में हम होने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, बिना वक्त गंवाए क्वेश्चन पढ़ाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए कहता है। तो पहला साइन ए के बारे में सोचते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन ए इसको बदलना हमको कोट ए के पदों में लेके आना है। कोट ए के पदों में लाने के लिए हम करेंगे कि वन बाय क्या होता है, वन बाय कोस ए का। साइन ए का हमने बताया जस्ट अभी कि साइन ए बराबर क्या होता है, वन बाय कोसेक ए होता है। तो अब हम लोग जानते हैं सरसिमिका का यूज कहाँ कर पाएंगे। तो यहाँ जैसे देखिए कैसे करें, कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। तो हमको कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं कोस थीटा, कोसेक थीटा चाहिए, क्या चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर खत्म होता है क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। तो कोसेक के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कोसेक है ना, इस कोसेक थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस थीटा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए है तो नहीं है समझ में, तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा तो ए ही डाल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, कोसेक ए के जगह पर हम क्या करेंगे, वन प्लस कोट स्क्वायर ए, वन प्लस कोट स्क्वायर ए। तो आप देखिए क्या कोट के पदों में आ गया ना, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, ये हो गया हमारा। अब फिर कहता है दूसरा है सेक ए के, सेक ए के बारे में हमें बात करनी है। अब सेक ए के बारे में जब बात करेंगे तो सेक ए बराबर क्या होता है, वन सेक ए बराबर हम जानते हैं यहाँ पर देखिएगा, चूंकि सेक स्क्वायर सरसिमिका से ही चलेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन होता है। तो हम जो है ना सेक बराबर क्या होगा, sec a बराबर होगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो स्क्वायर खत्म तो रूट चढ़ जाएगा, ये तो पुरानी बात है, बात बोलते बोलते तो अभी शुरू से आते आते बहुत बार बोल चुके हैं, स्क्वायर खत्म होता है तो रूट चढ़ जाता है। तो sec a की जगह पर हम क्या कर देंगे, अब sec a की जगह पर हम लिख सकते हैं ना वन प्लस टेन स्क्वायर ए रूट, यह हमारा क्या बता गया, टेन स्क्वायर के रूप में आ गया। तो अब हम जानते हैं वन प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर ए को हम जानते हैं वन बाय क्या होता है, टेन थीटा का, वन बाय कोट ए, कोट स्क्वायर ए, ये क्या चल जाएगा रूट, हमको सिर्फ कोट ए के पदों में आ गया, बस उसको छोड़ देंगे, बस हो गया, ज़्यादा दिमाग इसमें कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ फॉर्मूला जो है वो छह फॉर्मूला ये और जो है तीन निष्पत्ति हम लोग याद रखेंगे तो खुद ब खुद आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, अब कहता है टेन ए को कोट ए, टेन ए को भी है, टेन ए को तो बदलना बहुत आसान है, टेन ए बराबर क्या होगा, तो वन बाय कोट ए बदल गया। तो हमें कोट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा था, हम कर चुके हैं। फिर जो है अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझेंगे, कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करने, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें जितना भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उस सभी निष्पत्ति हम लोग क्या करेंगे, सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो हम चलते हैं वहां पे, सेक ए बराबर सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे, एक बदल से बदलते आते हैं दूसरा का, साइन को पहले बदलते हैं, साइन ए बराबर क्या होगा, कहता है कोण ए के लिए हमेशा ए ही चलेगा, इसमें साइन ए बराबर क्या होता है, उसको हमको सेक ए के पदों में बदलना है। थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन होता है। तो हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए मेरा। तो क्या होगा कि कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर ए, क्या होगा, वन माइनस कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर यदि खत्म होगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो वन माइनस कोस स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, साइन ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस स्क्वायर ए। तो जब हम ये लिख सकते हैं इसको रूट है तो रूट भी डाल देंगे, तो अब क्या होगा, वन माइनस
कॉस के को हम जानते हैं वन बाय क्या होता है सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा कॉस था तो वन बाय सेक ए स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिए अब क्या हो जाएगा रूट चढ़ा देंगे, ये हो गया मेरा क्या वन बाय सेक स्क्वायर ए के पदों में, सेक के पद में आ गया ना, इसमें सेक ही है हो गया। फिर उसके बाद कॉस क्या कहता है कॉस ए को बदलना है, कॉस ए को बदलना तो सीधा सा बात है वन बाय सेक ए हो जाएगा। अब जाते टेन ए पर, टेन ए को बदलना है, टेन ए को बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले चलते हैं टेन ए बराबर होता क्या है, टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए होता है, होता है ना। तो साइन ए को हम लोग अभी जस्ट बदल चुके हैं, देखिए वहां बार बार करने की जरूरत है नहीं, साइन ए को बदल चुके हैं वन बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर ए में, तो ऊपर तो वही लिखेंगे या डायरेक्ट यहाँ बदले हुए हैं, इसको कर सकते हैं साइन ए को वन माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट बट कॉस ए को क्या करेंगे कॉस ए को कॉस ए ही फिलहाल अभी रहने दीजिए, उसके बाद वन माइनस कॉस ए को क्या करेंगे वन माइनस कॉस ए को वन बाय सेक ए, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है किसका होता है कॉस ए का फॉर्मूला होता है वन बाय सेक ए, तो स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा दिए, अब इस पर रूट चढ़ेगा और कॉस ए का क्या होता है वन बाय सेक ए, इतना ही हम छोड़ देंगे इसको कुछ नहीं करेंगे, ये मेरा क्या हो गया सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। फिर आगे आप देखते हैं इसको और भी तरीका से क्या जा सकता था, तो जो मन में आ रहा है ना वही चीज करेंगे हम, इसलिए करेंगे जो मन में, इसका मतलब कुछ भी कर देंगे, इसका मतलब ये हम बोल रहे हैं इसमें जो हमारे मन माइंड में छह फॉर्मूला है, बार बार छह फॉर्मूला और तीन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये बोल रहे हैं ये सभी इस चैप्टर में बराबर यूज होते रहना है, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान में रखेंगे छह फॉर्मूला। तो अब क्या होगा टेन हो गया तो अब कॉट होगा, कॉट ए बराबर क्या होगा कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए बट साइन ए, कॉस ए बट साइन ए होता है, कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं वन बाय सेक ए लिख सकते हैं ना, और सेक ए को जब हम लिख देंगे जब वन बाय सेक ए लिख दिए तो साइन ए को हम जस्ट बदलवे किए हैं सेम उसी प्रकार से वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो रूट चलेगा अब है वन बाय सेक ए बटे हो जाएगा वन माइनस वन बाय सेक ए का स्क्वायर पर रूट, तो बदल गया इसमें कॉट ए में हो गया। अब सेक को सेक तो खुद सेक है ही, अब हम चलते हैं कोसेक ए में, कोसेक ए, कोसेक ए बराबर क्या होता है वन बाय साइन ए होता है, पहला पहला बात तो यहाँ ही हो गया। अब साइन ए को हम क्या जानते हैं वन बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस पर रूट चलेगा क्या होगा वन वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को कर सकते हैं वन बाय सेक स्क्वायर ए, इस पर रूट है तो रूट डाल देंगे, तो हम लोग इसको आसानी से बदल लिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ हमने समझ से, यदि यदि आप लोगों को समझ में ना आता हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये था, इतना ही, अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग, आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिएगा तो इसमें ये होगा ये आप लोग जो और नहीं भी समझिएगा वहाँ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ये चैप्टर ऐसा है ही कि इसमें जो है ना हड़बड़ाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि साबित करना इस समय जो थोड़ा लंबा हो जाता है साबित करते, ये सभी फॉर्मूला यदि मन में और हमेशा माइंड में रहेगा तो दिक्कत है नहीं इसमें। अब है अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, साइन स्क्वायर तिरसठ डिग्री, तीसरा नंबर है साइन स्क्वायर तिरसठ डिग्री, तीसरा का पहला है साइन स्क्वायर तिरसठ डिग्री प्लस साइन स्क्वायर सत्ताईस डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, अब इसको बदलेंगे हम 8.3 में इसका जिक्र कर चुके हैं, इसको बदलना होगा तो हम कैसे करेंगे किसी एक को दो में से किसी एक को ही तोड़ना है, तो हम इसको पहले वाले को कर देते हैं, तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ये वाला घटा देंगे 63 आ जाता है,
27 डिग्री, ये हम 8.3 में एक बात कर चुके हैं, प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, इसमें वही करेंगे साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 73 डिग्री, ठीक है, तो ये 17 हो जाएगा, 17 पुट जाता है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, एक को तो रहने ही देना है। अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, साइन स्क्वायर 90 डिग्री में 17 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बट ये क्या होगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में 73 डिग्री क्या होता है कॉस 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो ये क्या होगा कॉस का 73 डिग्री साइन क्या होगा जानते हैं इसका त्रिकोणमितीय में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, इसमें क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उल्टा पुल्टा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 क्या होगा 3 ही तो होगा, इसको समझना है इस चीज को, क्या होगा 1/1 यानी 1 आंसर हो गया इसका, तो हम लोग क्या कर दिए 35वां का पहला इसको इस तरह से सोनी से करेंगे, 8.3 का चीज था लेकिन यहाँ भी है तो बताना तो मैं पड़ेगा, अब आते हैं तीसरा का दूसरे नंबर पर, दूसरा नंबर क्या कहता है, कहता है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, इस दोनों में से किसी एक को तोड़ना है, जिसको तोड़ना है इधर तोड़ लेते हैं, तो हम करते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री घटा देंगे तो 25 पड़ गया, और इसको तो हम रहने ही देंगे क्योंकि एक को तो रहने देना ही है, उसको कोई चेंज नहीं उसमें लाएंगे, अब क्या करेंगे कोस 25 डिग्री इसको रहने देते हैं, कोस 25 डिग्री और नहीं ये 25 रहने देंगे तो फिर यहाँ बैठेगा नहीं, इसको तोड़ना होगा, क्या करेंगे इसको तोड़ना होगा, क्या करेंगे कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो ये हो जाएगा और साइन इसको तो रहने देंगे ही, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा और कोस 65 तो यहाँ है ही, प्लस ये क्या होगा साइन 65 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री पहले से है ही, तो हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 65 डिग्री और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, जब ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वह हो गया, अब लोग हम लोग इसको कर चुके हैं, अब तीसरे नंबर हमेशा याद रखना है, उसके बाद अब जब हम सॉल्व करने पर साबित करने पर आएंगे तो अब इस चीज को और भी बोलेंगे एक चीज उस समय फिर रिपीट कर देंगे, हालांकि अब है हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर, कहता है 9 sec² - 9 tan² चौथा नंबर का पहला क्वेश्चन है 9 sec² a - 9 tan² a, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक पहला है 1980 यानी 1980, इसमें से ऑप्शन चुनने से क्या होगा, इसमें देखिए 9 है ना कॉमन, 9 हम कॉमन लिए तो क्या बचा sec² a - tan² a, तो इसका क्या हो गया 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया ना sec² a - tan² a 1 हो गया वैल्यू, इसका क्या हो गया 9 आंसर आ गया, अब 9 हो गया तो कहाँ है बी नंबर, इसका बी नंबर हो गया सही, इसका वैल्यू कितना होता है sec²θ - tan²θ 1 होता है तो 9 × 1 9 हो जाएगा, आगे चलिए अब
दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, चौथा का ही दूसरा है, चौथा का ही क्या है दूसरा है, उससे आते हैं। कहता है 1 + 10θ, 1 + 10θ + sec θ इंटू 1 + cot θ -cosec θ। इसको हमें सॉल्व करना, हमने बोला था कि पहले हम इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो इस चैप्टर में हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐसा सब क्वेश्चन देखेंगे तो उसे पहले हम ध्यान देंगे कि इसमें सरसमिका यूज होता है क्या। यदि सरसमिका यूज होता है तो हम लोग सरसमिका यूज करेंगे पहले, यदि नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें साइन या कॉस में चेंज करेंगे, क्या करेंगे साइन या कॉस में चेंज करेंगे। तो वही है सरसमिका, किसी भी नजर से नहीं लग रहा है कि इसमें लग पाएगा, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं 1 + tan θ क्या कर सकते हैं sin θ / cos θ, साइन और क्या कॉस के पदों में लाना है हमको, प्लस 1/ क्या हो जाएगा sec θ, क्या होता है 1 / cos θ, ये क्या होगा 1 + cos θ / sin θ, -cos θ का होता है 1 / sin θ। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यदि ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cos θ आ जाएगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा यहाँ cos θ प्लस ये तो ये कट गया sin θ, भिन्न का जोड़ तो सब आता ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा sin θ, आगे cos θ -1/ क्या हो जाएगा sin θ। तो जब ये हो गया तो आप गौर से देखिएगा, आप यहां से ये वाला टर्म जैसे मैंने बड़ी लेकर दिया है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, देखिए ए बी है दोनों अगर अदल बदल है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, साइन प्लस कॉस थीटा है, कॉस में साइन कॉस प्लस साइन थीटा है, माइनस में रहता तो दिक्कत होता लेकिन यहाँ प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ है 1/1। तो आप गौर से जब देखिएगा इसको लिखा किया हुआ किया क्या गया है, यहाँ इस टाइप में बैठा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी को यदि शॉर्ट करते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं, इस पूरे को हम ए मान लेते हैं, इसको भी इसको क्या मान लेंगे बी मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो क्या कर सकते हैं इसको, तो sin θ + cos θ का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर सकते हैं बटे ये क्या हो जाएगा cos θ × sin θ हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। तो कैसे हुआ यहाँ से हम लोग कर चुके हैं क्या दिया, अब इसको हम क्या कर सकते हैं जब यहाँ आ गया इसको ऊपर वाले को तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ देंगे ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को धीरे धीरे मिटाते जाना होगा। अब जब हम यहाँ से ये कर चुके हैं तो अब हम लोगों को देखना होगा कि cos sin θ + cos इसको ऊपर लेके आ रहे हैं यहाँ से, अब चल रहे हैं तो sin θ इसको तोड़ेंगे sin²θ + cos²θ क्या हो जाएगा -2 × sin θ × cos θ ये हो गया, और -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा बटे ये क्या हो जाएगा cos θ × sin θ। अब देखिए इसका क्या होता है वैल्यू, sin²θ + cos²θ का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, +2 sin θ × cos θ - 1, ये -1 और +1 खत्म हो गया, बटा है यहाँ cos θ × sin θ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कि इसको डायरेक्ट लिखिए 2 sin θ × cos θ बटे cos θ × sin θ, ये नीचे खत्म बचा क्या 2, ये आपका क्या हो गया आंसर।
इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, है 0, 1, 2, -1, तो आपका ये दो आंसर हो गया। फिर आगे आप बढ़ते हैं चौथे नंबर का दूसरा क्वेश्चन था, अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन, चौथा का तीसरा है, चौथा का तीसरा है कि sec a माइनस sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इंटू 1 - sin a, इसमें भी सरसमी का यूज होने वाला कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सरसमी का इसमें यूज हो जाए, इसमें लग नहीं रहा है, होगा ही नहीं, किसी भी शर्त पर नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, साइन कोस में बदलेंगे, तो 1 by क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए बट कोस ए, 1 - sin ए को साइन में है, तो साइन ए मेरा नहीं दीजिए, तो अब इसका क्या होगा एलसीएम, कोस ए हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 1 + sin a इंटू इधर हो जाएगा 1 - sin a। अब नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, अब ये दोनों ऊपर में गुना है, तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल जाएगा, जी सूत्र में है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका होता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी रूप में ये बदल जाएगा, तो 1 - sin² a बटा कॉस ए, इसको करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1² करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसको कर दीजिए 1 - sin² a बटा कॉस ए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए कैसे हो गया, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin² थीटा, यहाँ से आया हुआ है, ये आया कॉस स्क्वायर ए कहाँ से आया, यहाँ से आया 1 - sin² थीटा के जगह पर 1 - sin² a के जगह पर कॉस स्क्वायर ए लिखे, तो कॉस ए और ए स्क्वायर का बचा क्या, कॉस ए बचा, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है, चौथा का तीसरा नंबर, अब चलते हैं चौथा का लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोग फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, 6 और 3 सरसमी का, 6 रेसिप्रोकल बताए हैं, व्युत्क्रम बताए हुए हैं और 3 सरसमी का बताए हुए हैं, तो उस तीनों को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 1 + tan² a बट 1 - cot² a, आप गौर से देखिए 1 + tan² a क्या होता है, sec² a होता है, बट इसका 1 - cot² a बराबर होता है, जैसे कि हम थोड़ा सा ध्यान जाते हैं, क्योंकि sec² a - tan² a बराबर 1 होता है, tan a के 1 + tan a की जगह पर क्या हो जाएगा sec² a की जगह पर 1 + tan² यानी ये के बदले में ये हम लिखे हैं, यहाँ क्या है 1 प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos² a - cot² a बराबर 1 होता है, तो हम यहाँ बताते हैं क्वाट के बदले में क्या लिख सकते हैं, 1 + cot² के बदले में क्या लिख सकते हैं, cos² a बराबर 1 + cot² a इसके बदले ये लिख सकते हैं, तो उसी तरह हम यहाँ लिख सकते हैं cosec² a, तो इसको देखिए गौर से, sec² a को हम लिख सकते हैं 1 - cos² a, cos² a इसको लिख सकते हैं 1 - sec² a को sin² a, तो इस क्या है डिवाइड में भाई भाग में है, इसको हम पलट देंगे, गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर ए क्या ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर, ये यही तो आपका आंसर हो गया। तो हम लोग चार तक क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं और इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं है। और इस वीडियो को आप बार बार यदि समझ में तो बार बार देखिए, दो बार तीन बार, मतलब ऑनलाइन का यही मतलब फायदा है कि आप कितनों बार नहीं देखिएगा तो आपको हर बार कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना ही है, कुछ ना कुछ बेनिफिट हर हमेशा होना ही है। अब चार नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, चार नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब